अपना मन खोलिए, सूर्य सूर्य दिन कृति में मारो नहीं जाए, स्वामी नई बाबा पार पा सके, जय जिनेन्द्र बोल कर जिनेन्द्र शक्ति को लिए, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो, जय जिनेन्द्र बोलने को हर मनुज स्वतंत्र हो, जय जिनेन्द्र बोल बोल खुद जिनेन्द्र हो लिए, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए, पापी छोड़ धर्म जोड़े है जिनेन्द्र देश ना, अष्टि कर्म को मरोड़े है जिनेन्द्र देश ना, जाग 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 चेतन बहु काल सो लिए, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए, हे जिनेन्द्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो, कर रही है प्रार्थना हम प्रार्थना पे ध्यान दो, जय जिनेन्द्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मन खोलिए, जय जिनेन्द्र बोलिए अपना मन खोलिए, आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र, ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, किसी महिला को चाय बनाना है तो उसका भी एक सिस्टम है, कितनी चाय की पत्ती डलेगी, कितनी शक्कर डलेगी, कितना दूध डलेगा, सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हुआ चाय का स्वाद बिगड़ जाएगा, समझ में। यदि किसी ने खीर बनाई और हींग का बघार लगा दिया अब क्या होगा खीर का, बोलो क्या बिगड़ा, खीर बिगड़ी या सिस्टम बिगड़ा, सिस्टम बिगड़ा तो स्वाद बिगड़ा, सिस्टम सही मत तोड़ो, दही का जो सिस्टम है वही अपना सिस्टम क्या है। आप लोग जैन धर्म में पैदा हुए तो कोई गलत बात हो गई क्या, बोलो स्वभाव की बात है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, है ना, दुर्भाग्य तो नहीं है ना, अभाग्य तो नहीं है ना, है बुरी काम तो नहीं हो गया ना, जैन धर्म में पैदा हुए ना, तो हमारा सिस्टम क्या है, जिनेन्द्र को मानना, क्या सिस्टम है, किसको पूजना, किसकी आराधना करना, किसकी उपासना करना, किसकी भक्ति करना, किसको अपना भगवान मानना, किसके भरोसे जीना, किसके भरोसे मरना, किसके भरोसे खाना, किसके भरोसे लड़ना, कर्मों से बोल रहा हूँ भाई, तुम कमरे में सुन रहे हो कर्मों से।
करो, किसके भरोसे करो, तो आप जैन। क्लियर हुआ इतना सब्जेक्ट? नहीं हुआ? जिस स्कूल में जाओगे वैसे यूनिफॉर्म पहनोगे या दूसरे की पहनोगे? वैसे पहनोगे। दिगंबर में पैदा हुए तो दिगंबर को पूजेंगे, श्वेतांबर में पैदा हुए तो श्वेतांबर को पूजेंगे, स्थानक में पैदा हुए तो स्थानक के अनुसार जिएंगे। समझ में आया? जिस कॉलेज में जाओगे वैसे रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। समझ गया? वो करने ही पड़ेंगे, नहीं करोगे तो क्या कर लोगे? कुछ होने वाला नहीं। तो अपना जिस धर्म में जन्म हुआ है उसको ही फॉलो करो। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आई? अब किसी का धर्म बदलने का अपन प्रयास करें क्या? नहीं। जो जैसा भाई हमारा कॉलेज ही है। कोई ने पूछा कि भाई आपने व्हाइट शर्ट और खाकी पैंट क्यों पहना? हमारा स्कूल यही है। समझ में आ रहा? आपके मुनि नग्न क्यों है? हमारा स्कूल यही है। समझ में आ रहा? किसी के मुनि मट्टी क्यों लगाते? उनका स्कूल वही है। किसी के अकेला वस्त्र पहनते क्यों? उनका सिस्टम है। समझ में आ रहा? सिस्टम मत तोड़ो। जिसके जो सिस्टम है उसमें जी, शांति से जीना है तो समझ में आ रहा? क्या मत तोड़ो? कोई लड़की पीहर से आए ससुराल के सिस्टम तोड़े फिर क्या होगा? श्री महाभारत प्रस्तुत करता लड़ाई होगी और क्या होगा? महाभारत पीहर में रहो तो पीहर के सिस्टम, ससुराल में रहो तो रतलाम में रहो तो मैं रतलाम के सिस्टम फॉलो करता हूँ, बांसवाड़ा जाऊंगा तो वहां के करूंगा, है ना? बांसवाड़ा की व्यवस्था यहाँ लगा दो। तेरा पंथ में जाओ तो काय के सिस्टम होना चाहिए, बीस पंथ में जाओ तो काय के सिस्टम होना चाहिए, गांधी स्वामी में जाओ तो काय के सिस्टम होना चाहिए। मत करो, धर्म का नाम क्या? तो मैं एक दूसरे को छेड़छाड़ क्यों करते हो? न्यूट्रल फेस को मिलाओ मत, नहीं तो क्या होगा? आर्थिक अपनी जगह, न्यूट्रल अपनी जगह, फेस अपनी जगह। तीनों तार एक साथ चल रहे हैं बिजली की लाइन में, यदि वो टच हो गए तो इसको टच मत करो। रेल की दो पटरियां चल रही हैं उन्हें मिलाओ मत, समझ में आ रहा? नहीं तो ट्रेन पलट जाएगी। जिसका जो सिस्टम है उसको फॉलो करो, दूसरे के सिस्टम को गलत मत करो। समझ गया? ठीक है, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, नाना जीवा नाना भावा नाना कम्मा। आचार्य ने कहा है संसार में अनेक तरह के जीव होते हैं, उनके अनेक तरह के भाव होते हैं और अनेक तरह के उनके कर्म होते हैं, सबको अपने अपने अनुसार जीने दो, जियो और। समझ में आया? क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट? क्लियर? बोलो। कोई भी धर्म में संप्रदाय में कंपैरिजन मत करो, जो जिसमें है उसमें शांति मिलेगी या नहीं? बोलो। इस बात को सुनने से ही शांति मिल रही है कि नहीं? जीने से कैसे मिलेगी? तो हम लोग शांति चाहते हैं लेकिन काम खाए के करते हैं अशांति के। मेरा सही तेरा गलत, क्या मतलब है? समझ में आ रहा? सुख शांति से जियो। मनुष्य का जन्म मिला है ये लड़ने झगड़ने को मिला है, बोलो, लड़ाई झगड़े करने को मिला। लड़ाई झगड़े तो पशु में भी कर सकते हैं, नहीं लड़ते रहते? कुत्ते लड़ते रहते हैं, बैल लड़ते रहते हैं, गाय लड़ती रहती है, भेड़ बकरी लड़ते रहते हैं। ये यदि लड़ाई झगड़े का शौक है तो भगवान से मंदिर में कहना अगले जन्म में पशु बनाना, हम खुल के लड़ेंगे। समझ में आ रहा? नहीं। दुखी रहने का शौक है नरक चलेगा। अपन तो क्या है? मनुष्य है। डाउट है क्या? इतने धीरे से आवाज आ रही है, मनुष्य हो या नहीं? बोलो। आवाज मनुष्य जैसी निकालो क्या? मैं भी याद आया मनुष्य है। मनुष्य को शांति से जीना है। कैसे जीना है? टेंशन फ्री होकर के। फालतू के टेंशन मत डालो अपने दिमाग में। समझ में आ रहा? कौन हमको प्रणाम कर रहा, कौन नहीं कर रहा, क्या लेना देना, नहीं कर रहा मत करो, उसकी मर्जी। कोई जबरदस्ती है कि तुम हमको नमोस्तु करो ही? कोई जबरदस्ती थोड़ी है, इच्छा है। धर्म तो ऐच्छिक होता है, मन करे तो करो, नहीं करे तो। समझ में आ रहा? जीवन धर्म का सार क्या है? शांति से जीवन जीना। हम किससे जी रहे हैं? मंदिरों में लड़ रहे हैं,
पंथवाद में लगे हुए, पंथवाद नहीं। क्या पूजना है अपने को, किसको पूजना है, किसको पूजना है, जिनेंद्र भगवान को। क्योंकि जितने भी पंथ बनाए गए हैं वो सब किसको पूजते हैं, एक जिनेंद्र। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया। आप जैन क्यों, नहीं नहीं जिनेंद्र भगवान को मानते इससे नहीं। अब थोड़ी सी परिभाषा चेंज कर, हम जैन क्यों, हम शांति पूर्वक अपने जिनेंद्र भगवान को मानते, शांति लगाओ, समझ गया, तब तो आप जैन होंगे। अशांति पूर्वक तो फिर शांति ना क्यों करते, छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न लगे रहते हो, पाए तो पानी भर के लोटा भर जल डाल दिया। हम शांति पूर्वक अपने जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, इसलिए हम क्या है, ये सब दिमाग में फिट कर लो। कैसे मानते हैं, नहीं हम तो लठ लेंगे जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, फिर तुम जैन होगे क्या, नहीं हो सकता, समझ में। हम तलवार निकाल के जिनेंद्र भगवान को मानते नहीं, हम कैसे मानते जिनेंद्र भगवान को, शांति, क्लियर हो, शांति पूर्वक श्रद्धा से हम जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, इसलिए हम क्या है, जैन। क्लियर हो, नहीं शांति बोलने से शांति मिलती है या नहीं, कहाँ मिली शांति, आ जाइए क्या, शांति शब्द बोलने से शांति मिलती है। शांति पूर्वक करो, माला भी कैसे फेरो, शांति पूर्वक फेरो, स्वाध्याय कैसे करो, शांति पूर्वक करो, गुरु के पास कैसे जाओ, शांति पूर्वक जाओ, धर्म जितना भी करो कैसे करो, क्या साथ होना चाहिए, शांति। अशांति के लिए मंदिर होते क्या, काय के लिए होते, शांति। क्लियर हुआ, नहीं आ रहा समझ में, अभी शांति से सुन रहे तो अच्छा लग रहा ना, और अभी शुरू हो जाए अपन बाप युद्ध, अशांति मिलेगी। जिसमें अशांति है दिमाग में रख लो, जिसमें अशांति है वो अधर्म है, जिसमें शांति है वो धर्म है। समझ आया, नहीं होगा, क्लियर हो गया, इतना कल का रिवीजन भूलोगे तो नहीं, इतना तो याद रहेगा। रात को 12 बजे की नींद में कोई पूछ ले कि तुम कौन हो, कौन हो, कौन हो, कौन हो, क्या क्यों, शांति पूर्वक हम क्या करते हैं, जिनेंद्र भगवान की, इसलिए हम क्या है, भूलना नहीं इसको, ध्यान रखना। क्लियर हो गया, आगे चले हैं। एक प्रश्न पूछो, बोलो हाँ या ना, प्रश्न में तुम लोग ऐसे घबराते हो जैसे बही खाते देख रहे हो, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हो क्या। एक प्रश्न पूछो, इधर से पूछो, देखो तुम मरे मरे से उत्तर देते तो ऐसा लगता है कि यार बहुत गलत जगह बैठे हैं, जिंदा होने का सबूत दो। पूछूं, मुर्दा आदमी हाँ या ना नहीं बोलता, जिंदा हो तो बोलोगे। पूछूं, इधर से, इधर से, एक क्या है प्रश्न है मेरा, मेरे दिमाग में चल रहा है, एक मछली, मछली जानते इंग्लिश में क्या बोलते, एक बार मछली से उसके बच्चों ने पूछा कि मछली हम पानी में क्यों रहते हैं, मम्मी हम पानी में क्यों रहते हैं, आदमी क्यों नहीं रहता, तो मम्मी ने कहा हम फिश हैं इसलिए रहते हैं, आदमी सेल्फिश है इसलिए वो पानी में। तो मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न दूसरा है, नहीं बीच बीच में इसलिए मैं कर देता हूँ, कोई सोरा हो तो जाग जाए ना यार, की हंसे भी नहीं तो ऐसे मुर्दों को क्या मतलब पड़ा है। तो मेरा एक प्रश्न है छोटा सा, एक मछली है समुद्र में, वो वहां से हम निकले, उस मछली ने हमसे कहा कि महाराज मुझे प्यास लगी, क्या बोला, कहाँ रह रही है, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, मछली कह रही है कि गुरुदेव मैं प्यासी,
क्या बोलेंगे इसको, मैं क्या आंसर दूं उसको? क्या बोल रही है, कहां रह रही है, बोल क्या रही है? मैं प्यासी हूं। अब मैं उसे क्या उत्तर दूं? उत्तर दो। प्रश्न बहुत साधारण है, मछली कह रही है कि मैं पानी में प्यासी, आपसे पूछ ले आप क्या उत्तर देंगे? क्या कहेंगे, मछली पागल है, मेंटली डिस्टर्ब है, पागल ही है, समुद्र में और कह रही है प्यासी, पी लेना पानी, क्या कहेंगे आप? इतना सन्नाटा जा, अच्छा पूछने जा रहे क्या समुद्र में पूछिया क्या बम्बई वहां रतलाम में तो समुद्र है नहीं। बोलिए, मछली कह रही है कि मैं प्यासी हूं, क्या कहेंगे आप? सही गलत जो भी कहेंगे बोलिए, क्या कहेंगे? मछली को ज्ञान नहीं है, खाई का ज्ञान नहीं है, पानी का, पानी का ज्ञान मछली को नहीं है। अब कैसे समझेंगे H2O क्या होता है? उसको केमिस्ट्री पढ़ाना पड़ेगी क्या? हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु, इज इक्वल टू पानी, ऐसे ज्ञान आएगा क्या? फिर क्या होगा, क्या कहोगे? बस अज्ञानी किया देने से तुम बहुत बड़े ज्ञानी बैठे हो, उत्तर आना ही ना है। क्या कहोगे मछली को, क्या कहोगे? यदि मछली आपसे कहे कि मैं प्यासी हूं तो क्या बोलोगे आप उसे, कि तू पागल है, मैं कहां रह रही है, रेत में हो तो चले कि भाई वो पानी वहां जाके पिए, समुद्र में रह रही है तो क्या बोल रही है कि मैं पानी में मीन प्या साथ तुमने क्या किया है, ये तो प्रश्न बच्चों का है। बोलिए क्या बोलोगे मछली को? वन बोला मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो, इतनी बच्ची मत बनो। बताइए, मछली पानी में प्यासी है, आप मछली को क्या कहोगे? मछली की आत्मा, आत्मा गहरी, आत्मा खातो नथी, आत्मा पीतो नथी, आत्मा त्रिकालिक शुद्ध छे, आत्मा कहाँ खाती पीती थी? ज्ञान वाला तो चैप्टर हो गया, अगला बताओ, हो गया वो वाला पॉइंट तो। तुम लोग को इतनी रेडीमेड की आदत पड़ गई, आप बताओ रेडीमेड जानते हो किसे कहते? रेडी माने तैयार, मेड याने पागल, रेडीमेड में जाता हूं तैयार पागल है। बताइए, माँ पानी में मछली प्यासी है, ये मछली का दुर्भाग्य है। क्या है, कैसी है मछली? अभागी, दुर्भागी, इसे क्या कहेंगे? मछली का दुर्भाग्य। समझ आ रहा नहीं आ रहा? पानी में कहां मछली, कहां प्यासी है, तो ये मछली का क्या है? अज्ञान नहीं है, क्या है? दुर्भाग्य है। अज्ञान और ज्ञान मत लगाओ, क्योंकि वो कोई स्कूल में थोड़ी जाएगी पढ़ने, मछली तो मछली है, ये उसका क्या है? दुर्भाग्य है। तो अगला प्रश्न है, क्या मछली अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है?
बोलो उसे बदलना चाहिए या नहीं? बदलना चाहिए। बोलो बदलना चाहिए ना। मछली को दुर्भाग्य को किसमें बदलना चाहिए? सौभाग्य में। बदल सकती है क्या दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो सकता है? बोलो कैसे होगा, कैसे होगा? क्या पुरुषार्थ? मछली को समझा, क्या पुरुषार्थ? क्या पुरुषार्थ करें मछली की सौभाग्य बन जाए? अरे तुम लोग तो बच्चों से भी गए, कभी नहीं आता। मछली को दुर्भाग्य को सौभाग्य बनाना चाहिए या नहीं? बनाना चाहिए। अब कैसे बनाए? कुछ तो बोलो विधाता, बातें तो महिलाएं इतनी चुप मेरी सभा में रहती हैं, वरना दो बिठा दो तो शांत नहीं रहती। बोलो क्या क्या बनाना चाहिए या नहीं? वो तो ठीक है, कैसे बनाए? जल में तो है ना यार, अब वो कहाँ के जल में डाल रहे हो उसको, तो समुद्र में है। मछली को बोलो बेटा पानी पी ले, है ना, जिसे तुम्हारे को पापा समझ रही तुम लोग। मछली को ये सुबह के लिए पर इंसान को ये है कि वो नहीं, मछली की बात, इंसान को तो बात ही मत करो, बात करने लायक नहीं। अपन तो मछली की बात नहीं बदल सकते, नहीं तो जाओ काय को हमारी क्लास में जाओ, जैसे जी रहे थे बोले हम तो बदलेंगे ही नहीं, फिर हमारी क्लास में क्यों आए, उपदेश क्यों सुन रहे, सत्संग क्यों सुन रहे? मछली पानी में प्यासी है, ये मछली का क्या है? क्या है? क्या है? इसको किसमें बदलना है? मछली पानी में प्यासी क्यों है? पहले ये प्रश्न होगा तब उत्तर आएगा। मछली पानी में प्यासी अपनी सोच की वजह से, किसकी वजह से? सोच बदली जा सकती है नहीं? यदि बदल ले तो पानी पी सकती है कि नहीं? बोलो पी सकती है ना, तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है कि नहीं? इतनी सी बात नहीं आती, बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हो, थिंकिंग की वजह से तो प्यासी है ना। सो आदमी जो कुछ भी करता हो किसकी वजह से करता है? आप यहाँ आके बैठे तो किसकी वजह से? सुना होगा चलो भैया महाराज अच्छा बता रहे, चलो है ना, तो तुम्हारे मन में सोचा होगा कि चलते हैं, सोच से ही आए ना, यहाँ से उठ के कैसे जाओगे? सोच से ही जाओगे। आदमी जो कुछ भी करता है सुबह से शाम किससे करता है? सोच से, विचार से, थिंकिंग से, थॉट से, समझ में आ रहा? इसके अलावा क्या है तुम्हारे पास? अभी बैठे बैठे सोचो दुकान जाना, वो एक उठ के चले गए ना, वो उठ के नहीं गए, सोच उठ के नहीं क्या उठ के गई कि यार चलो यार बहुत हो गया, घर चलते हैं, चाय पियेंगे, नाश्ता चला रहा है, निकल लिए। कुछ लोग नहीं गए, किस लिए नहीं गए? मैंने उन्हें उठाया, तुम्हें बिठाया, तुम बैठे हो अपनी सोच से, वो गए हैं अपनी, मैं महाराज बना हूँ अपनी सोच से, तुम नहीं बने हो सोच से, और क्या है, और कौन सी बड़ी, मैंने कौन सा बड़ा काम कर लिया, महाराज बन गया, मेरी सोच में आ गया कि बनना है तो बनना है, तुम्हारी में आए कि मर जाओ तो हम नहीं बने, तुम्हारी ये सोच कुछ नहीं, ऐसे कई महाराज आए और चले गए, हमें नहीं बनना तो नहीं बनना, समझ में आ रहा? तो क्या होता है कि सारा खेल जीवन में काय का होता है? सोच का होता है। सोच ही सौभाग्य है, सोच ही दुर्भाग्य, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर होगा। उसी घर में नरक है किसकी वजह से? उसी घर में स्वर्ग है किसकी वजह से? ये आदमी दोस्त है किसकी वजह से? ये आदमी मेरा दुश्मन है किसकी वजह से? वो मेरी बुराई कर रहा है किसकी वजह से? भले नहीं कर रहा हो लेकिन अंदर क्या चल रहा है? मेरी कर रहा है। वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है किसकी वजह से? सोच की वजह। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर होगा? आ रही है बात समझ में? नहीं, यस या नो? आ रही है? जीवन पूरा हमारा इस पे टिका है, इस पे टिका। एक को इंजीनियर बनना किसकी वजह से? उसने सोच बना ली मुझे इंजीनियर बनना है। एक ने बना ली मुझे व्यापार करना है, वो व्यापार ही करेगा। एक ने कहा मुझे सर्विस करना है, एक ने कहा मुझे सीए बनना है, एक की सोच कहती है एमबीए करना है, करो। किसकी वजह से हो रहा है? सोच की वजह से। समझ में आ रहा? मैं सुखी हूँ
ये मेरी क्या है, मैं दुखी हूँ, ये मेरी क्या है। कोई दूसरे एक दूसरे को सुखी दुखी करता है हमारी सोच करती। बोल क्या बदलना है, सोच बदल ली तो दुर्भाग्य किसमें बदल जाएगा। वही घर अच्छा लगेगा ना, जो घर से यार नफरत है, जो घर में बुरा लगता है, जहाँ पे हमारा मन नहीं लगता है, सोच बदल लो उसी घर में मन लगेगा कि नहीं लगेगा। लगेगा तो स्थान बदलना है या सोच बदलना है। हम क्या बदलते हैं, स्थान है ना, गलत है ना। क्या तोड़ रहे हम, क्या तोड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं, सिस्टम नियम, इसलिए दुखी समझ में। क्या बदलना है, सोच हमारा आईक्यू क्या है, हमारी दृष्टिकोण क्या है, हम क्या सोचते हैं। यदि मैं कमलेश के बारे में गलत सोचूं, 10 मिनट गलत सोच लूं, तो इसकी एक भी अच्छाई मुझे नहीं दिखेगी। क्या दिखेगी, बुराई 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 बुराई। जिससे प्यार होता है ना, उसकी बुराई भी अच्छाई लगती है, और जिससे नफरत हो जाए उसकी अच्छाई भी। ये किसके कारण हो रहा है, सोच के कारण। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्लियर हो रही बात। तो मछली को दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहिए कि नहीं, बदलना चाहिए। अब मछली को तो रखो एक तरफ, अब अपनी बात करें, आप जैन हो या नहीं हो, बोलो हो, तो जैन बनने से अकेले कल्याण हो जाएगा क्या, नहीं होगा। जैन बनकर भी जैनी नहीं बने तो ये तुम्हारा क्या है, बोलो बोलो मछलियों, बोलो मगर बच्चों, क्या है। जैन में पैदा होकर भी जैनी नहीं बने, ये तुम्हारा क्या है, जैन होके भी जैनी नहीं बन पाए, ये तुम्हारा क्या है। इसको सौभाग्य में बदलना चाहिए कि नहीं, बोलो बदलना चाहिए नहीं। कैसे बदलोगे, कैसे सोच बदलोगे, बता कैसे। सिस्टम, सिस्टम मत बदलो, सिस्टम तो वही रहेगा, सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं। अभी माई के इसमें तार काट दू बैठे बैठे तो सिस्टम का ड्रामा जाएगी क्या, खेल खत्म हो जाएगा, समझे। सिस्टम से छेड़ वो ही करेगा, इन लोगों को बिठा दू, जाओ माइक चालू करो, सिस्टम बिगाड़ देगी। समझ में आ रहा था, सिस्टम से तो छोड़ो ही छेड़ो ही ना, सिस्टम छेड़ा भी गए काम से। समझ में आ रहा, तो जैन होकर भी जैनी नहीं बने, ये तुम्हारा हुआ। अब देखो दो शब्द हमारे पास आ गए, जैन होकर भी क्या नहीं बना, क्या नहीं बना, क्या नहीं बना। अब प्रश्न है कि जैन तो समझ में आ गया कि जैन ही क्या होता है। अब प्रश्न आगे चलेगी अपनी क्लास, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। जैन और जैनी में अंतर बताओ, जैन कौन जैनी कौन। देखो जैन कौन, जैन तो मालूम है, इसमें ज्यादा माथा नहीं लगा। जैन कौन, जो जिनेंद्र भगवान को मानता है। अब क्या बनना है, जैनी। जैन के बाजू में नाम में मात्रा लगाओ तो क्या बन जाते हैं, जैनी। तो जैन की परिभाषा क्या है, जिनेंद्र भगवान को की मात्रा की कर दो। नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। दोनों जगह मात्रा बदलेगी, जैन में भी मात्रा बदलेगी, जैनी और जिनेंद्र को की मात्रा को क्या कर दो, जो जिनेंद्र की मानता है वो जैनी होता है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। जो जिनेंद्र को माने वो कौन,
जो जिनेंद्र की माँ ने वो कौन, गोर की में अंतर है ना, जमीन आसमान का अंतर है, जिनेंद्र की क्या, जिनेंद्र की क्या, अरे राजा तो जिनेंद्र जेल में हो गई, जिनेंद्र की क्या बात है, समझ में आया, जिनेंद्र को मानना अलग चीज है और जिनेंद्र की बातें मानना, जो केवल जिनेंद्र को मानेगा वो जैन कहलाएगा, वो जो जिनेंद्र की बातें मानेगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जैनी, क्या कहलाएगा, तो जैन तो अपन है भाई, जन्मजात नहीं, जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, अब क्या बनना है अपने को, मछली को क्या करना है, दुर्भाग को किसमें बदलना है, दुर्भाग को किसमें बदलना है, जैन से क्या बनना है, जैन से क्या बनना है, जैन से क्या बनना है, जैनी कौन, कौन कौन सी बातें, देखो पुलक सागर को तुम सब मानते हो लेकिन मेरी बातें नहीं मानते, बोलो यदि कोई बच्चा कहे कि पापा मैं तुमको तो अपना पापा मानता हूँ लेकिन तुम्हारी एक भी बात नहीं मानी, तो बेटा सपूत होगा कि कपूत, कैसा होगा, तो तुम लोग जैनी नहीं बन रहे, तुम महावीर स्वामी के क्या हो, नहीं मैं अपने तो मैं ऐसी बातें नहीं बोलता, क्या हो जाओगे, सपूत हो गए यार, किसी से कितना भी प्यार हो, ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति से कितना भी प्यार हो लेकिन यदि उसकी बात नहीं मानी तो प्यार टूट जाएगा, समझ में आया, क्या हो जाएगा, प्यार कब टूटता है, उसको कितना भी प्यार करो लेकिन उसकी बातें नहीं मानी तो फिर आई हेट यू, है ना, समझ में आया, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं तुमसे नफरत करता हूं, क्यों, क्यों तू मेरा कहना नहीं मानती, महावीर स्वामी तुमसे प्यार करेंगे, तुमसे तो करेंगे कि जैन हो लेकिन उनकी बातें नहीं मानोगे तो आइए, समझ में आ रहा कि नहीं, बोलो, व्यक्ति को मानना जरूरी है, उसकी बातें मानना जरूरी है, आपके दिल में कौन बसेगा, तुमको मानने वाला या तुम्हारी बातें मानने वाला, हमारी तो सुनते ही नहीं है, बस यहीं से तो लड़ाई शुरू हो जाती है, समझ में, हमारी बात मानो नहीं मानोगे महाभारत शुरू, हर व्यक्ति क्या चाहता है, मेरी बात मानो, है ना, ये चाहता है, तो भगवान भी क्या चाहते हैं अपने से, कि मुझे नहीं किसे माने, भगवान महावीर ने तीन बातें बोली है जैनी बनने की, कौन सी बातें बोली, कल तो बड़ा मजा आ रहा था, तीन बातें कौन कौन सी बोली है, देव दर्शन, रात्रि भोजन, पानी छाना, मुझे नहीं बनना, तीन, ज्यादा नहीं, ज्यादा लगता नहीं जे नहीं, नहीं बनने, तीन छोटी सी बातें हैं, कौन कौन सी, जैनी हो के पानी न छाना, हाय राम रातों को खाए, जैन के लिए नहीं बोला है, किसके लिए बोला है, जैन हो के नहीं बोला, क्या बोला, जैनी हो के पानी न छाना, हाय राम रातों को खाए, क्या बनना है, क्या बनना है, मंदिर जाओ, क्या करो, नहीं अपने दे आओ, उनके मत करो कि हम आ गए देख लो, है ना, मंदिर जो डेली जाता है दर्शन करता है वो जैनी है, जो रात में नहीं खाता है वह जैनी है, जो पानी छान कर पीता है वह जैनी है, ये तीन बातें जो मान लेगा अपने दुर्भाग्य को किसमें बदल देगा, किसमें बदल देगा, किसमें बदल देगा, समझ आ रही बात, नहीं आ रही, बोलो क्या करेगा, बोलो क्या करेगा, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया, जैन तो बन गए, क्या बनना बाकी है,
जैन जैनी जिनेंद्र क्या बनो तीन सिस्टम बनो से पहले जैन बनो फिर जैनी बनो फिर क्या बनो जिनेंद्र बनो जिनेंद्र बने कल्याण हो गए इतनी सी बात तीन चीजें हैं इसमें इतना समय क्यों लगाते तीन चीजें फटाफट निपटाओ कोर्स खत्म कर मनुष्य जन्म मिला है पढ़ाई फटाफट खत्म करो पढ़ाई जीना शुरू कर दो इसी जन्म से जिनेंद्र बनने की तैयारी शुरू हो जाए समझ में आ रहा क्लियर हो रही बात नहीं हो रही मछली को याद रखना दुर्भाग्य को बना सकती है या नहीं पॉसिबल है इम्पॉसिबल बोलो तुम जैनी बन सकते हो पॉसिबल है इम्पॉसिबल कैसे बनोगे क्या मैं आपसे नहीं मैं तो सोच बदलने की कह रहा हूँ क्या बदल लो सोच बदल लो कि मुझे कुछ बनू या ना बनू मरने से पहले मैं जैनी जरूर बनू समझ में आ रहा जैनी बन गए तो तुम्हारा यहाँ पे आना जन्म लेना सार्थक होगा नहीं बने ये जन्म तुम्हारा मेरा हीरा हीरा मेरे कचरन समझ में आ रहा क्लियर होगा बन सकते हो जैनी बोलो बन सकते हैं तो क्या दे रहे प्रॉब्लम क्या है सोच बदल अभी आ रही सोच बैठ जा रजिस्टर किस्तों में आए हाँ समझ में आए कि नहीं आए क्या प्रॉब्लम मंदिर जाने में क्या प्रॉब्लम चलो प्रॉब्लम बताओ मंदिर जाने में या जो स्थानक वाले स्थानक जाने में आपको क्या प्रॉब्लम समस्या क्या बताओ समस्या शर्म लगती बोलो शर्म लगती बेइज्जती होती कोई बहुत बड़ा टाइम वेस्ट होता है ज्यादा टाइम लगता है पैदल तो जाते नहीं काय से घूमते रहते हो कितना टाइम लगता है बोल 5 मिनट 10 बार मंदिर से निकलते हुए गाड़ी में दिन भर घूमते छोड़े है ना 10 बार 2 मिनट रुकी कर लिया तो प्रॉब्लम क्या है बता समस्या क्या है एक आदमी ने पूछा महाराज क्या धर्म इतना जरूरी करना ही पड़ेगा चलो मैं कहता हूं आपसे नहीं है जरूरी गैर जरूरी है धर्म कोई जरूरी नहीं है बेकार की चीज है गैर जरूरी है मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सुबह से शाम में क्या तुम सारे काम जरूरी ही करते हो गैर जरूरी नहीं करते बोलो 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 सुबह से शाम में क्या सारे काम तुम्हारे इंपॉर्टेंट है जरूरी काम ही करते हो या गैर जरूरी भी करते हो बता ईमानदारी से करते हो ना तो धर्म धर्म को गैर जरूरी समझ के कर लो क्या प्रॉब्लम बस हकीकत में देखना सुबह से शाम हम गैर जरूरी काम करते हैं जरूरी काम तो बहुत कम करते हैं करते हैं या नहीं फालतू बैठे लगे एसएमएस फालतू फेसबुक में उंगली चला रहे इतना जरूरी है क्या इसके बिना मर जाएंगे क्या प्राण निकल जाएंगे क्या कर रहे फालतू बातें कर रहे हैं चैटिंग कर रहे हैं अखबार में लगे हैं यहाँ लगे हैं ये सब इनके बिना जीवन नहीं चलता है चलता है ना तो ये गैर जरूरी काम क्यों कर रहे हैं और यदि ये गैर जरूरी काम करते हो तो धर्म भी गैर जरूरी समझ के कर समझ में नहीं आ रहा बाजार जाते हो बुए खा रहे खड़े होकर के बुए कम खा रहे गप ज्यादा लगा रहे गए काय के लिए थे वहां बातें कर रहे हंसी मजाक कर रहे हंसी मजाक जरूरी थी क्या नहीं थी लेकिन उसमें मजा आ रहा है ना ऐसा गैर जरूरी धर्म में मजा क्यों नहीं आता मजे लो ना एंजॉय करो समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम जैनी बनने में नहीं बनोगे तो ये मछली का क्या है अभागे लोग ध्यान रखना अभागा वो नहीं होता जिसके पास धन दौलत और माया नहीं होती और अभागा वो भी नहीं होता जिसके ऊपर माँ बाप नहीं होते अभागा तो वो होता है
जिसके सिर पर जिन्हें भगवान की छाया नहीं होती, वो दुनिया में सबसे बड़ा अभागे लोग हैं जो देव सास गुरु की भक्ति नहीं कर सकते। कितना टाइम लगता है देखो, चलो तुम बहुत बिजी हो फालतू चीजों में, चीजों को बिजी हो ही नहीं, बेकार की चीजों में बहुत बिजी हो, कितना टाइम लगेगा दर्शन करने में भगवान के, जाके यूं ही तो करना है, कुछ मत बोलो, मत बोलो प्रभुपद पावन में अपन, कोई दिक्कत नहीं, बुज्जन ने लिखी वो बोले, अपन क्यों बोले, जिसने लिखी वो जाने, वो तो उनके पास टाइम था, वो लिखते गए खत्म दोहराए जा रहे, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मैं तो मेटो जी। देखो तो समझ नहीं आता, आदमी रोज मंदिर जाता है, मैं तो जी संकट हमारा, मैं कहा कितने साल से आ रही है, बोले 20 साल से, मैंने कहा आज संकट मिटा, बोले कई मिट गए, तो मैंने कहा एक बार भी बोला मिट गया जी संकट हमारा, तो मैं प्रार्थना वही चलती, मैं तो जी संकट, भगवान भी सोच यार कभी धन्यवाद भी तो दिया कर, जब देखो तब मैं तो जी संकट होगा, संकट कितने तेरे पास, एक बार तो थैंक्स बोलो कि भगवान मेरा ये संकट मिट गया, नहीं तुम तो अब पिछला मिटता नहीं अगले की लिस्ट लगी हो जाएगी, कभी जाके भगवान को धन्यवाद भी तो दो, देते हो मंदिर क्यों जाना बंद होता है, कि आदमी मंदिर से डिमांड करता है, डिमांड पूरी हो गई तो उसके बाद आना बंद, नहीं हुई तो बेकार वक्त बर्बाद क्यों करें, थैंक्स भी तो बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता कि भगवान मैंने अपनी बात रखी थी पूरी हो गई, धन्य तेरी बहुत कृपा है, मेरे ऊपर बहुत दया है, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, एक मानवता के नाते इतना नहीं बोल सकता, बोलिए प्रॉब्लम क्या है, अच्छा बोलने में जी बिजती है क्या, 24 घंटे वही भगवान बाजू वाले की आकार आ गई, मेरे यहाँ नहीं आई, तू तो मेरी सुनते ही नहीं है, रोज अभिषेक करता हूँ, रोज शांति धारा करता हूँ, रोज ये करता हूँ, कुछ नहीं होता है, नमोकार जपता हूँ, कुछ नहीं होता, बेकार है धर्म वरम, अरे कभी दो शब्द अच्छे भी तो बोलते हो, जब मंदिर में गाली बकने जाता है भगवान को, थोड़ा अच्छा भी तो बोल दे कि हे भगवान ये तेरी कृपा है कि मुझे मनुष्य तन मिला है, ये तेरी कृपा है कि मुझे जैन धर्म प्राप्त हुआ है, ये तेरी कृपा है कि मेरे पास दो आंखें हैं, ये तेरी कृपा है तूने मुझे दो हाथ दिए हैं, तूने मुझे दो पैर दिए हैं, तूने मुझे दो कान दिए हैं, तूने सोचने समझने का दिमाग दिया है, वरना दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दोनों पैर नहीं होते, मेरे पास क्यों हैं? दोनों पैर के लिए तुमने क्या पुरुषार्थ किया है कि उसकी कृपा से प्राप्त हुआ है, समझ में, तुमने कौन सी मेहनत की है जो तुम्हें दो पैर मिल गए, बोलिए ये दो आंखें हैं इनमें रोशनी है, वरना ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं है, समझ में आ रहा, तुमने आंख के लिए उससे कोई विशेष काम किया है क्या, कुछ नहीं किया, उसकी कृपा है भगवान की तेरे ऊपर कि तुझे रोशनी प्रदान की है, तू कान से सुन रहा है, वरना सब कुछ मिल जाता, दिमाग खराब कर देता तो आगरा के पागल खाने में बैठा होता, समझ में आ रहा, जो जो तुम्हें उपलब्ध हुआ है इसके लिए उसे थैंक्स नहीं बोलो, तुम अंधे क्यों नहीं बने, बोलो तुम लंगड़े लोले क्यों नहीं बने, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है ऐसा, क्यों नहीं बने, कुछ तो कारण हो कि नहीं हो, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा, आपसे कोई पूछ ले आप अंधे क्यों नहीं बने, वो अंधा क्यों बना, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना, उसी माँ से दो बच्चे पैदा होते, एक अंधा पैदा हो जाता है, एक आंखों वाला पैदा होता है, माँ तो वही है ना, पिता वही है ना, दो क्वालिटी कैसे पैदा होते, कुछ तो होगा ना, है ना, यानी भगवान की कुछ तो कृपा होगी ना अपने ऊपर कि नहीं होगी, बोलो मुंह किस रहा, हाँ बोल रहे बोलो होगी या नहीं होगी, कुछ तो दया होगी, कुछ तो रहम होगा, कुछ तो मैंने किया होगा, जैन आप भी बताइए, आप जैन में क्यों पैदा हो गए, अजैन में क्यों नहीं हो, पिछले अच्छे कर्म, इस जन्म में अगले जन्म में क्या होना, झाड़ू लगाना सड़क पे, बोलो जब इतना ज्ञान है कि पिछला अच्छा किया तो जैन बना, अब ये भी अच्छा कर लो, समझ में आ रहा,
झाड़ू लगाओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा? क्या प्रॉब्लम है मंदिर जाने में? बोलो युवा, बोलो। पैर दुखते हैं, मूड खराब होता है, दिमाग खराब हो जाता है, अपनी बेइज्जती हो जाती है, अपने दैनिक जीवन में कोई डिस्टरबेंस आता है। बोलो, कोई अपन को इज्जत की नजर से नहीं देखता कि मंदिर जाने से वो इज्जत बढ़ती है? बोलो, बढ़ती है ना। समाज में पहचान बनती है कि टूटती है? बनती है। जवान हो, शादी की उम्र है, मंदिर रोज जाओ, अच्छी लड़की मिलेगी। ऐसे वैसे घूमते रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाली। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, पहचान बनेगी। यदि साधु संत आपके रतलाम में नहीं आते तो आप बताओ, इतनी बड़ी जैन समाज, यदि साधु संत नहीं आते, धर्म नहीं होता, एक दूसरे को पहचानते नहीं। किसकी धर्म से पहचानते हो? एक दूसरे से परिचय किससे होता है? साधुओं के आने से समाज एकत्रित होती है, एक दूसरे से परिचय होता है, परिचय होता है, पहचान बढ़ते है, पहचान बढ़ती है, रिलेशन होते हैं, संबंध बनते हैं, संबंध बनते हैं, सुख दुख में काम आते हैं। ये किसका उपकार है? आज विदेशों में जाओ, अमेरिका में, वहां सत्संग नहीं होता, वहां साधु नहीं आते, वहां मंदिर में नहीं होता है। नंबर लिखे, कोई किसी को नहीं जानता, बाजे में कौन रहता है? जानते हैं, ऐसी जिंदगी जीना है। बोलिए, मंदिर रोज जाओ। क्लियर हो रही बात है ना? जैनी बनना है तो क्या करो? पानी छान कर। ये गड़बड़ है, ये तो बहुत ही गड़बड़ मान कर। पानी छान के पिए, हम तो बिस्लरी पीते हैं, वो तो फिल्टर है, छना हुआ है ना, हम तो बाजार का खाते हैं। चलो, इतनी ज्यादा टाइट मत करो, कम से कम इतना तो करो कि घर में जो पानी आता है उसमें छना तो, घर में तो छान के पियो, बाहर का नहीं होता कोई बात नहीं। समझ में आ रहा? घर में तो आपके नलों में कपड़े का थैली होना चाहिए, उसका पानी पियो, जहां भी देख लो छना हुआ पानी पियो, इतना तो करो। और रात्रि भोजन मत करो, ये बहुत कठिन। यही तो आके हम लोग अजैन हो जाते हैं महाराज। ये रात्रि भोजन ही तो सब डिस्टर्ब वाला काम है। महावीर स्वामी को जो जो अच्छा वो सब छुड़वा दिया। आलू बहुत अच्छा लगता, उस पर प्रहार कर दिया, आलू नहीं खाना। तोरी अच्छी नहीं लगती, कह रहे ये रोज खाओ। महावीर स्वामी को आलू से क्या नफरत थी? देखो, रात्रि भोजन इतना करो कम से कम। एक नियम ले लो, आज जबरदस्ती नहीं, मन कहे मैं फिजूल में रात में नहीं खाऊंगा। आदमी 90% फिजूल में रहता है, बेकार। समझ में आ? घर में हो, 6 बजे घर में हो, 5 बजे घर में, खाना खा लो, क्या दिक्कत है? लेकिन जानबूझ के लेट करते, काम कुछ नहीं, बिजी है, रात में मजा है। समझ में आ रहा? मजा इसलिए आ रहा कि आज तक दिन में नहीं खाया, दिन का भी अपना मजा होता है। महिलाएं देखो, ये कोई जॉब में नहीं जाती, कितनी महिलाएं जॉब करती है? हाथ उठाना। एक कितने बजे लौटती है घर? हमारे देश का यही तो दुर्भाग्य, फ्री में खाने वाले बहुत, इसलिए गरीबी में क्या कर सकते। ऐसा नहीं कोई फ्री में नहीं खा रहा, हमारे घर की पूरी व्यवस्था करके रखती है। इतनी जल्दी हंसी आ गई तुमको, ये नहीं होगी तो घर भूतों का डेरा हो जाएगा। कोई तुम्हारे घर को पूछने वाला, एक आदमी हड़ताल कर देना कि नलियों में फ्री में खाती हूँ, बनाओ खाना, बनाओ लगाओ पोछा, गुलाब झाड़ू वाले। तुम्हारे कोई फ्री में नहीं खाती है, सब मेहनत का खाती है, क्योंकि मैं भी इनका खाता हूँ। ये नहीं हो तो हमारा भी जुगाड़ नहीं है ना, जैसे कुछ फ्री में नहीं खाते, संभाल के रखो। हमारी जगह यदि कोई नौकरानी रखते, इतनी तनख्वाह रखती जितना तुम कमाते नहीं हो, है ना, अपन तो फ्री में काम कर रहे हैं। कहने का मतलब इतना ही है, जो घर में अपन जब तक हैं, जानबूझ के रात में मत करो त्याग, कोई बात नहीं है। प्रयास क्या होना चाहिए? दिन में खाओ,
महिला ऐसा घर में रहती, अपन कोई ऐसा तो है नहीं कि इतने पतिव्रता कि पति आए कभी खाए, ये तो अपने जीवन में है ही नहीं। पति जाए वहां अपन तो खाओ पियो, रात में नहीं खाते दिन में ही खा लो, पति आए तो आए नहीं तो डिब्बा रख दो जाने पिटा दे। तो अपन ऐसे वाले धर्म में तो पैदा नहीं हुए कि चांद देखो करवा चौथ फिर भोजन गाय को करवा चौथ, इधर लाभ पहले मेरा तू अपना बाद में खा। जैन तो ऐसे ही, जैन में कोई पति पत्नी वाला लफड़ा नहीं है, मेरा कल्याण मेरे से होगा और तेरा कल्याण मेरा तेरा क्या रिश्ता, खाए का रिश्ता वो तो बस खाने खिलाने का रिश्ता है और कोई रिश्ता नहीं है। मैं अकेला आप अकेला आओ, जब पति आए तूने खाना खा लिया क्या बोलना, आप अकेला आओ तरे मरे अकेला हो, यो कब हूँ या जीव का इतना कह देना खेल खत्म जब के खा क्या। अपने धर्म में यही लिखा कि अकेले आना और अकेले जाना, क्या तुम्हारे साथ रहना क्या तुम्हारे साथ खाना, समझ में आ रहा। अपना धर्म तो बड़ा बेहतरीन धर्म, कोई लफड़ा नहीं है, इसका वेट करो उसका वेट करो, पति की आयु के लिए ये उपास करें, अपने आगे लफड़े ही नहीं, कोई लफड़ा, तेरी आयु तू जान और मेरी आयु मैं जानू, मुझे क्या लेना देना, जिए तू और भूखी हम मरे, मतलब क्या इससे। मुझे यार अपना जैन धर्म तो बड़ा बिल्कुल क्लियर धर्म है, या जो करेगा वो भरेगा, मेरा पुण्य मेरे हाथ और तेरा पुण्य तेरे हाथ, क्या था कोई किसी के पुण्य का भागीदार नहीं हुआ करता है। तो आप आज से नियम बना लो कि हम फिजूल में रात में नहीं खाएंगे। फिजूल में क्यों खाना, फालतू क्यों खाना, अनावश्यक, आवश्यक हो जबरदस्ती ले जाए पार्टी में, चल शादी है ये है वो है खानी पड़ेगा, तो कह देना भगवान से ये कह रहा इसलिए खा रही हूँ, इसकी सजा इसको ही देना भगवान। इतना बढ़िया धर्म बता रहा हूँ, कितना इजी धर्म है, खाओ की भी पाप भी उसको लगेगा। अपना धर्म तो यही कहता जो जबरदस्ती करे करावे भाव ना भावे, तो ये सारे पाप इसको ही लगे हैं, इसको ही लगे खा जावा, दोनों काम भी अपने हो गए। समझ में आया, जब तक घर में रहो रात में प्रयास करो कोशिश करो, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। समझ में आया, ये वाले लोग हैं लड़के हैं सब हैं, छुट्टी है जॉब में नहीं जा रहा स्कूल नहीं जा रहा है, आज मैं दिन में खाऊं एक दिन तो लाओ ऐसा, अष्टमी चौदस को तो ऐसा करो, संडे के संडे को नहीं कर सकते, संडे को तो इस रोड की सभी लाइनें व्यस्त है, थोड़ा बाहर खाने का मन होता है, ऐसे ही होता है आजकल। क्या एक लड़का था, मैंने कहा कि बाहर का त्याग कर दे, बाहर का मत खाना, आहार दे रहा था बोले नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो आदमी सड़क पे समोसे खा रहा, मैंने कहा क्यों नहीं, तूने तो नियम लिया था कि बाहर का नहीं खाऊंगा, बोले नहीं उसका मैदे की पपड़ी हटा रहा हूँ बाहर का नहीं खा रहा, मैंने कहा क्यों, बोले बाहर का त्याग है। कम से कम इतना तो बनाओ अपना नियम कि हम फिजूल में रात में नहीं खाएं, सप्ताह में दो दिन तीन दिन कहीं कुछ तो करो, संस्कार डालो, यही संस्कार आगे जाके आपका आचरण बनेंगे। समझ में आ रहा, इतना कर सकते हो तो देव दर्शन रोज करो, पानी जानबूझ के अच्छा ना रखिए, समझ में आ रहा, छना है और जानबूझ के रात में मत, समझ में आ रहा। तो हम थोड़े जैनी तो बनेंगे, बोलो थोड़े से बहुत होता है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, बात समझ में आई। मछली को दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहिए या नहीं, आप जैन हो और जैनी नहीं बने तो ये आपका क्या है, आपको सौभाग्य बनाना चाहिए या नहीं, नहीं बनाए तो फिर कब बनाओगे, जब दो सींग निकल आएंगे, जब दो पैर की जगह चार पैर हो जाएंगे, जब मूंछ की जगह पूंछ लग जाएगी तब बदलोगे क्या, अभी बदलो, अभी बदलो, इसी
प्रयास करूंगा। डॉक्टर कब बनते हैं? एमबीबीएस करने के बाद बनते हैं ना, लेकिन ध्यान रखना वो डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद नहीं बनते, डॉक्टर तो पहली क्लास से ही बन जाता है जब स्कूल में जाना शुरू करता है, क्योंकि यदि पहली क्लास नहीं होगी तो एमबीबीएस कैसे करेगा। तो जेएनई पहली क्लास से बनो, समझ में आया? इतना करो, 14 को हम नहीं कर। देखो मुसलमान लोग कैसा करते हैं, उनकी जुमे की नमाज हो ना, उन्हें समझ नहीं आती, फट से टोपी लगा लेते हैं और सड़क पे मुसल्ला बिछा के बैठ जाते हैं, सड़क पे जहां भी है वहां बैठ जाते हैं। उनको शर्म क्यों नहीं लगती, हमको शर्म क्यों लगती? अपन को कोई दोस्त मिल जाए ना, मैं रात में नहीं खाता, ऐसे शर्मा के बोलोगे इसे बड़ा अपराध कर रहे हो। अरे छाती चौड़ी करके बोलो, हम जैन हैं, हम रात्रि में भोजन नहीं किया करते हैं, ये गर्व है, ये शौर्य है, अभिमान है, समझ गए? ऐसे नहीं, मैं रात में नहीं खाता। अब वो दोस्त बोले, अरे यार तू भी कहां अटका है, 21वीं सदी में दुनिया आदमी आदमी को खा रहे हैं, तू रात में खाने की बात कर रहा। ऐसी बातों में मत आइए, समझ में? काहे की शर्म, गर्व से कहो ना कि आई एम जैन प्राउड, कि मैं जैन हूं। और जैन लोग रात्रि में नहीं खाते, मंदिर जाने में शर्म मत करो, फिल्म जाने में शर्म करो, टॉकिंग जाने में शर्म करो, गलत काम में शर्म करो, मंदिर जाने में क्या शर्म? मंदिर तो बिल्कुल प्राउड के साथ जाओ कि मैं जिनेंद्र भगवान के वंश में पैदा हुआ हूं, तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जरूर जाऊंगा। समझ में आया क्या फर्क पड़ता है? कोई वो विशेष ताकत लगती है? क्या बदलना है, क्या बदलना है? सोच बदली कि सब बदल। तुम 2 मिनट में जैन बन जैनी बन सकते हो, केवल दिमाग बदलना। क्या बदलना? कोई शर्म नहीं है धर्म करने में, शर्म तो अधर्म करने में होती है। समझ में आ रहा? क्या करना चाहिए अपने को? जैसे एक वो घूम रहा ना, वो देखो नास्तिक आवारा जैसा, लोग धर्म पढ़ रहे हैं वो घूम रहा है ना, तो ऐसे लोग होते हमारे संघ में रह रहे अभागी लोग, जैन हो के भी जैन नहीं बन रहे, ये घूम रहे राउंड लगा रहे हैं, ऐसे होता है, क्या कर सकते हैं ना? सोचिए, विचार करिए, जैन से क्या बनना है, कैसे बनोगे? सोच बदल लो। क्या क्या बदल लो? अनावश्यक रात में, अनावश्यक अंचना पानी, और बिना मतलब के मंदिर नहीं जाओ, ऐसा कभी नहीं, मंदिर रोज, 3 चीज कर लो तो तुम दूसरी क्लास में आ गए। कल की पहली क्लास थी, क्या बनना था? जैन हो या नहीं है या नहीं, गर्व से बोलो, राउड से बोलो, हम कौन है, हम कौन है, क्या बनना है, क्या बनना है? एक दिन में बनेंगे क्या? नहीं, प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, बनेंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो, धीरे धीरे बनेंगे, लेकिन जैनी जरूर बनेंगे। और एक संकल्प ले लो, मरने से पहले मैं जैनी बने बिना प्राण नहीं छोड़ूंगा। इतना संकल्प कर लीजिए, तुम्हारा सौभाग्य बन जाए, समझे? मैं तभी बनूंगा, उससे पहले जैनी बनूंगा, समझे? मुनि बनूंगा वो छोड़ो, है ना? क्या बनूंगा? क्या बनूंगा? बिना जैनी बने मैं अपने प्राण नहीं छोड़ूंगा। समझ में क्लियर हो गई बात? नहीं हो गई? बोलो। जैनी बन के मरूं, जैनों के यहां पैदा हो के अजैन बन के मरूंगा क्या? बोलो, जैन बन के मरना। अरे पूरे नंबर मिले या नहीं मिले, पासिंग मार्क, अगली क्लास में तो बैठे नहीं, पासिंग मार्क 33% तो लाइए, नहीं ला सकते क्या? बोलो, ला सकते हैं। कोई बहुत कठिन काम है क्या? बोलो, कठिन है तो और सरल कर, कठिन है क्या? नहीं, 3 चीजें तो है, रात्रि भोजन क्या, अंचना पानी क्या, देव दर्शन क्या, क्या करना? हर कोई कर सकता है। देखो, जब मैं घर में था ना, मुझे आचार्य विद्या सागर जी महाराज ने, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मुझे 3 नियम दे दिए थे, यही वाले। अब कॉलेज में पढ़ने के बाद तो बड़ा दिक्कत, पहले तो बिस्लरी चलती नहीं थी, ऐसे ही पानी पीते थे नल खोल करके, आज से 25-30 साल पहले, है ना, 27 साल तो मुझे घर छोड़े हुए,
समझ में आ रहा? तो मुझे एक धुन आ गई थी कि नहीं, मुझे जैनी बनना, मुझे जन्म बर्बाद नहीं करना है। तो मैं अपने पॉकेट में रुमाल रखता था, रुमाल तो सभी लड़के रखते हैं, भले ना का पहुंचने को रखते हैं, तो मैं दो रखता था, ये दूर दूर पहुंचने को रखते हैं। आज लड़के अपने पॉकेट में कंघा रख सकते हैं, पानी का छन्ना नहीं रख सकते हैं ध्यान रखिए। तो मैं एक साधारण रुमाल रखता था, तो जहां भी पानी पीता था नल में ऐसा लगा लेता था। दोस्त हंसे तो हंसे, कॉलेज में तो लड़कियां हंसती थी कि ये पंडित देखो पानी छान कर पी रहा, इतना क्लियर पानी है फिर भी छान करके पी रहा है। तो उस समय एक दो दिन तो ऐसा लगता है, मजाक बनती है, उसके बाद वही मजाक हमारा आदर्श बन जाता। मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैंने नियम लिया था रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, दोस्तों की पार्टियों में जाता था, वो मुझे चिढ़ाते थे, मेरा मजाक बनाते थे, ये रात में नहीं खाता, देखो दुनिया कहां जा रही है, पागल हो गया है, पंडित बनेगा पंडित, कोई तो बोलते थे पोंगा पंडित बनेगा पोंगा, जो बोलना है बोलो। एक दिन मुझे उस दिन बड़ा गर्व हुआ जब मेरे एक दोस्त के यहाँ शादी थी, और जब उसने मुझे कार्ड भेजा और उसने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने दिन में भोजन की व्यवस्था, उस समय मुझे गर्व हुआ कि जो कल तक दोस्त मेरा मजाक बनाते थे आज मुझसे कहते तू जरूर आना। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं रात में नहीं खाता हूँ। बोले मैंने अजेल था, उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए दिन में भोजन की व्यवस्था की है। उस दिन मुझे लगा कि मैं कोई गौरवशाली धर्म में पैदा हुआ हूँ जिसकी व्यवस्था शुरुआत में शर्म आती है, उसके बाद वो शर्म हमारी पहचान बन जाती है। फिर जहां भी मुझे बुलाया जाता था मेरे भोजन की व्यवस्था अलग की जाए। अब बोलो हजारों में तुम्हें अलग से थाली लगे तो वीआईपी कौन कौन वीआईपी? वो भीड़ है अपन है, ये भी खाना शुरू नहीं हुआ और मुझे खाना दे दिया जाए, दो साकर के खिलाए, लोग ऐसे देखते थे ये कोई खास है क्या, चीफ गेस्ट है क्या, नहीं हम तो खा रहे हैं यहाँ बफे सिस्टम में, इसको अलग से थाली लगनी, इज्जत बनती है कि बोलो? शर्म महसूस मत करो, गर्व महसूस करो। शुरुआत में लोग बोलेंगे, बाद में लोग अच्छा बोलने लगते हैं। हम उन लड़कों के लिए, फिर उसके पिताजी जब मेरे पास आए, मैं दिन में खाना खा रहा था, उन्होंने कहा बेटा अभी खाना खा रहे? मैंने कहा कि मैं जैन हूँ अंकल, मैं रात में खाना नहीं खाता। उन्होंने पीठ ठोंकी और अपने बच्चे से मेरे सामने कहा इससे कुछ जीवन में सीख कि जिंदगी क्या होती है। तो हम उसी के लिए आदर्श तो बने, समझ में आया? अपन आदर्श से नहीं बनते, हम दुनिया भर के लोगों को अपना आदर्श मानते रहते हैं। आज से प्रयास करो हम भी किसी के लिए कुछ आदर्श से बने, समझ में आया? आज भी जब वो मेरा दोस्त उसके पिताजी, आज भी जब मेरे दर्शन को साल में एक आध बार आते हैं तो कहते हैं कि हमने तभी समझ लिया था कि ये लड़का साधारण नहीं है, आगे जाकर ये देश का महान भी बनेगा। तो आज जो लोग मेरे से नाता जुड़ रहे हैं ना, तो ऐसे जिंदगी अपन बनाए कि अपन भी किसी के लिए आदर्श बने। कब तक लक्ष्मी बाई को अपना आदर्श बनाओगे? कब तक गांधी जी को अपना आदर्श बनाते रहोगे? कब तक शांति सागर को अपना आदर्श बनाते रहोगे? तुम भी आदर्श बनने का प्रयास करो तो हमारा जयपुर में आना क्लियर हो गया, समझ में आ गई? जवानी के ज्ञान से सो वाणी मस्तक धरूं सदा देखूं दो हे जिनवाणी भा